बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कस्टमर 4 है 2.6 का, उसने कहा कि -2/1+ योटा है। आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है इस तरह कि इसकी जो फाइनल फेज़ है ना वो a+b है योटा, या a+b की शक्ल में बना दें इसको, ठीक है। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लिखा है, ये देखें बेटे क्वेश्चन नंबर 4 में उसने लिखा है कि सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a+b योटा की शक्ल में आपने लिखना है, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट करें -2/1+ योटा। अब करेंगे क्या हम इसको, अगर हमने ना बेसिकली डिनोमिनेटर के अंदर से ना योटा ख़त्म करना होता है, तो इसका रूल क्या है, हम इसको 1+ योटा है ना, तो 1+ योटा का जो कॉन्जुगेट होता है, कॉन्जुगेट आपको मैंने बताया था पीछे भी कि z = a+b है ना, ठीक है। तो फिर z के ऊपर एक बार लगा देंगे तो इधर भी a+b की बार आ जाएगी, तो z कॉन्जुगेट आ जाएगा a-b। असल में ये जो बार होता है ना ये अयोटा की साइन को चेंज कर देता है, अगर पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, अगर नेगेटिव होता तो ये पॉजिटिव हो जाना था। मैंने यहाँ पे क्या किया है, इसका कॉन्जुगेट बनता है 1+ योटा का 1-योटा, तो उससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो आप इधर साइड पर लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 1-योटा, ठीक है, वी गेट। एक बात याद रखिएगा, इसको रैशनलाइजेशन नहीं कहते, ये जो प्रोसेस कर रहे हैं इसको रैशनलाइजेशन नहीं कहते, बहुत सारे टीचर्स इसको ना रैशनलाइजेशन कह देते हैं। तो आपने जस्ट कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, रैशनलाइजेशन का मतलब तो होता है स्क्वेयर रूट हो, अंडर रूट हो, उसको ख़त्म किया जाए। अच्छा जी, अब ये -2 × 1-योटा होगा, तो -2 × 1-योटा और नीचे a+b और a-b है ना, तो ये a²-b² आप लोगों ने पढ़ा हुआ कि a+b × a-b = होता है a²-b² के, ठीक है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे यूज़ की है, ये देखिए, ये ना आपके पास a+b और a-b, तो ये a²-b² आ गया। 1 का स्केयर तो 1 ही रहना है, और अयोटा स्केयर आ जाएगा, अयोटा के बारे में आपने पढ़ा होगा कि अयोटा किसके इक्वल है, √-1 के। आप बेटे इधर स्केयर लेंगे तो इस साइड पे भी स्केयर आ जाएगा, स्केयर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो अयोटा स्केयर = आ जाएगा -1 के, ठीक है। तो ये अयोटा स्केयर की वैल्यू आ गई -1, तो मैंने ये क्या किया, इसे अयोटा स्केयर की जगह पर लिख दिया -1, ठीक है। यहाँ पर ये -1 प्लस हो जाएगा, नीचे 1+1 क्या हो गया, 2, ये 2 × 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, तो ऊपर आ जाएगा -1 × 1-iota, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये -1 हो जाएगा, और ये -1 + iota हो जाएगा। तो ये रिक्वायर्ड फॉर्म है। अब आपको अगर देखें तो आपको जो क्वेश्चन के अंदर डिमांड थी ना वो ये थी कि आपने इसको a+iota b की शक्ल में लिखना है, ठीक है, ये मैंने आपको दिखाई है। तो अब इसको क्या करें, आप अगर गौर करें तो ये -1 जो है ये एज ए है आपका, प्लस अयोटा ये वाला, ठीक है, और इसके साथ कुछ ना होता, हर टाइम 1 मल्टीप्लाई हो रहा था, ये b है, तो ये a+iota b की फॉर्म में आ गया, ठीक है। यही रिक्वायर्ड फॉर्म थी और यही आंसर आपका बुक में लिखा हुआ। अच्छा बेटे, इसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है 2.6 का, क्लास 9th का। वो कहता है 2+3iota/4-iota, वही a+b iota की शक्ल में लिखना है हमने इसको। अब देखें, ये 4-iota ना, तो 4-iota का कॉन्जुगेट अगर देखें हम कि सपोज कि ये z है, तो z इसके ऊपर कॉन्जुगेट आएगा, तो 4-iota के ऊपर भी कॉन्जुगेट आएगा। कॉन्जुगेट का साइन ये बार होता है, और ये मैंने बताया था आपको कि बार नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है, और पॉजिटिव को नेगेटिव, मतलब जो iota के साथ साइन होगा ना ये उसको चेंज करेगा, तो iota के साथ नेगेटिव आना चाहिए उसको पॉजिटिव कर देगा। तो इसका मतलब इस चीज़ से आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, मैंने लिख भी दिया मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई 4+iota। असल मकसद क्या है कि डिनोमिनेटर में से अयोटा ख़त्म किया जाए। अब नीचे a-b a+b है ना, तो a²-b² की शक्ल बनेगी, ये a-b × a+b आपने पढ़ा है, a²-b² होता है, तो नीचे तो ये आ गया, ऊपर 2+3iota × 4+iota आ जाएगा। अब आप देखें ये जो है ना, ये नंबर, ये इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन। ये एक बार 2 जो है 4 से मल्टीप्लाई होगा, एक बार ये 2 जो है ये अयोटा से मल्टीप्लाई होगा। तो देखें ज़रा, मैंने 2 को एक बार 4 से किया, 2 × 4 आ गया, फिर 2 × iota आ जाएगा, फिर प्लस, मतलब ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो फिर प्लस ये वाला साइन आया, फिर 2 × iota आया तो ये आ गया, अब फिर प्लस ये वाला साइन आ गया, 3 iota से मल्टीप्लाई होगा, 3 iota × 4। तो इसके लिए एरोज हम इस तरह दे देते हैं ताकि आपको देखने में आसानी, पढ़ने में समझने में आसानी हो जाए।
फिर इसी तरह 3 iota एक बार 4 से हो गया, और इसी तरह ये 3 iota बेटे एक बार इसी iota से होगा, 3 iota इंटू iota हो जाएगा। अब आपके पास क्या है, नीचे 2 4 का स्केयर 16 आ गया, iota स्केयर आ गया, 2 4 8 हो जाएगा, वो आ गया आपके पास, ठीक है। फिर आपके पास 2 iota आ गया ये वाला, ठीक है, और फिर 3 4 12 iota है, और फिर 3 iota इंटू iota 3 iota स्केयर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगी बात। अब नेक्स्ट देखें कि अयोटा आपको पता है अंडर रूट माइनस वन है, तो फिर अयोटा स्केयर किसके इक्वल आएगा, माइनस वन के, ये कट गया ना स्केयर अंडर रूट से, तो खाली क्या रह जाएगा आपके पास, माइनस वन। ये अयोटा स्केयर की वैल्यू यहाँ पे माइनस वन भी पुट करेंगे और यहाँ पे भी करेंगे, तो मैंने इंडिकेट किया है कि एक दफ़ा इधर माइनस वन आ गया, अगले स्टेप में इधर अयोटा स्केयर की जगह भी माइनस वन लिख देंगे। ये 8 बेटे यूँ ही आ जाएगा, 2 और 12 कितना हो जाएगा, 14 है योटा, अयोटा वाले योटा में ऐड होंगे ना, सेम फैमिली ऐड होती है, नीचे माइनस माइनस प्लस वन, 16 प्लस 1 17 हो जाएगा, ये 17 आ गया, ठीक है। और 8 में से 3 माइनस होंगे तो 5 आ जाएगा, फिर 5 प्लस 14 योटा ओवर 17 है, ये 17 इसके नीचे और इसके नीचे अलग अलग डिवाइड कर देंगे, बेसिक अलजेब्रा का रूल है, ये होता है ना कि ए प्लस बी ओवर सी लिखा हो तो आप उसको ए ओवर सी प्लस बी ओवर सी लिख देते हैं, तो ये 17 इसके नीचे सेपरेट और इसके नीचे 5 ओवर 17 और प्लस 14 ओवर 17 ये उठा देगा, तो ये गौर कर लें आप ज़रा इस पर, ये चीज़ ए है और ये चीज़ क्या बी है और साथ में क्या योटा, तो ए प्लस बी योटा की शक्ल बन गई इसकी। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका सेकेंड पार्ट भी कम्प्लीट हो गया, 2.6 क्लास 9th का। अच्छा बेटे, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका 2.6 क्लास 9th का थर्ड पार्ट है, 9 माइनस 7 अयोटा और 3 प्लस अयोटा लिखना, इसको भी बनाना हमने ए प्लस बी अयोटा की शक्ल में ही है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये जो आपके पास है 3 प्लस अयोटा इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, उसी तरह जेड आपका आपके अगर 3 प्लस योटा है तो फिर कॉन्जुगेट की बार इधर लगाएं और 3 प्लस योटा बन जाएगा 3 माइनस योटा, तो 3 माइनस योटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। अब आपके पास नीचे देख लें ए प्लस बी और ए माइनस बी है, तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर की शक्ल बनेगी ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, और ये ए प्लस बी था और ये माइनस बी था, तो फिर 3 का स्केयर और अयोटा का स्केयर आ जाएगा, 3 का स्केयर 9 हो जाएगा और अयोटा का स्केयर ये लिख देंगे ऊपर बेटे आपके पास 9 माइनस 7 अयोटा इंटू 3 माइनस अयोटा, पहले ब्रैकेट में मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिखेंगे, फिर अब बारी बारी क्या होगा, एक बार 9 3 से मल्टीप्लाई होगा और एक बार में 9 अयोटा से होगा, फिर 7 अयोटा इससे होगा और ये इससे होगा, आपकी मर्ज़ी, आप ये पूरी की पूरी चीज़ एक बार 3 से भी कर सकते हैं और एक बार अयोटा से भी, वो जैसे आपको ईजी लगे, जो ये मल्टीप्लाई इन दी एंड आंसर तो सेम ही आना है, ठीक है। इसको हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल इसलिए कि ये हॉरिजॉन्टली है ज़मीन के साथ, जिस तरह नहीं होता एक्स एक्सिस पे कोई चीज़ पड़ी हुई उस तरह। 9 इंटू 3 बेटे 9 इंटू अयोटा, और ये माइनस साइन था तो इधर माइनस लगा दिया, और ये फिर 7 अयोटा इंटू 3, और ये माइनस साइन था तो वो इधर लगा दिया। आप ब्रैकेट में अगर माइनस लिखते हैं तो बाहर प्लस लगाना पड़ेगा, काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट होगी उससे, जैसे आपको इजी लगे वो करें, लेकिन कन्फ्यूजन ना हो, ये ना हो कि एक स्टेप से सारा सवाल आपका ख़राब हो जाए। फिर ये 7 अयोटा इस अयोटा से होगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 अयोटा इंटू अयोटा, 9 3 ज़ा 27, 9 माइनस 9 अयोटा, माइनस 7 3 ज़ा 21 अयोटा, और 7 इंटू अयोटा इंटू अयोटा अयोटा स्केयर है। आपको पता है कि अयोटा स्केयर, अयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस वन है, ठीक है, तो फिर अयोटा स्केयर क्या होगा, इधर स्केयर लेंगे, इधर भी स्केयर लेंगे, स्केयर एंड रूट से कैंसिल हो गया तो माइनस वन लगेगा, योटा स्केयर की वैल्यू माइनस वन यहाँ पुट कर देंगे इसकी जगह। अगले स्टेप में ये 27 यू ही, और 9 अयोटा और 27 अयोटा ये हो जाएंगे -30 अयोटा। आपको पता है वैल्यूज माइनस में हो तो हो ऐड जाती हैं, लेकिन साइन माइनस का ही रहता है। 7 अयोटा स्केयर की जगह माइनस वन आ जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और नीचे क्या होगा बेटे, 9 और ये माइनस माइनस प्लस 1, 9 प्लस 1 क्या हो जाएगा 10, और ये माइनस प्लस माइनस हो गया, 27 में से 7 जाएंगे तो कितना रह जाएगा 20, और -30 अयोटा ओवर 10 आ गया। ये 10 अब इसके नीचे और इसके नीचे डिवाइड कर दें, जिस तरह आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ए माइनस बी ओवर सी हो तो वो होता है ए ओवर सी और माइनस बी ओवर सी के, ठीक है। तो 10 20 के नीचे और 10 इस तरह 30 के नीचे आ जाएगा। तो ये देखें बेटे,
सेपरेट डिवाइड कर दिया, 10 वन ज़ा 10, 10 टू ज़ा 20 और 10 वन ज़ा 10, 10 थ्री ज़ा 30, तो ये 2 और ये -3 ये उठा गया, तो ये कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन और ये बन गई शक्ल। इसको आप 2 प्लस ब्रैकेट में -3 इंटू योटा लिख लें तो ये प्रॉपर ए प्लस बी योटा की शक्ल बन गई। ठीक है, ये 2 एज ए ए है और जो -3 एज ए बी है और साथ में योटा आ गया, तो ये रिक्वायर्ड था। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगे बेटे आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, वो कहता है 2.6 में फोर्थ पार्ट में 2-6 अयोटा ओवर 3+ अयोटा है और -4+ अयोटा ओवर 3+ अयोटा है। ठीक है, अब हम करेंगे क्या इसमें कि ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, तो ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन करने से बेहतर ये है कि आप इसको एलसीएम ले लें बजाय इसके कि अलग से इसकी और इसकी रैशनलाइजेशन करें, तो इससे बहुत ज़्यादा बेहतर होगा कि आप इन दोनों का एलसीएम ले लें कॉमन। तो ये मैंने लिख दिया बाय टेकिंग एलसीएम वी गेट, यहाँ पे हम एलसीएम ले लें 3+ योटा 3+ योटा तो 3+ योटा ही आ जाएगा। और अगर आपका डिनोमिनेटर सेम हो तो एलसीएम का रूल होता है कि ऊपर वाली चीज़ एज इट इज़ आ जाती है, साइन जो होगा वो वैसे ही आएगा। माइनस का साइन था दरमियान में, तो ये देखिएगा यहाँ पे दरमियान में माइनस का साइन था तो यहाँ पे भी माइनस का साइन ही आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होगा नेक्स्ट में, इसको फोकस करें कि ये जो माइनस है ये माइनस साइन ही अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो -4 × -iota हो जाएगा, तो 2-4 -2 आ जाएगा। आपको पता है 4 बड़ा और 2 छोटा, तो इसके साथ माइनस का साइन, तो फिर हो ये माइनस जाएंगे लेकिन साइन माइनस का आएगा क्योंकि 4 के साथ माइनस का साइन है और 4 बड़ा है 2 से, और 6 iota और iota हो जाएगा -7 iota ओवर 3+ iota। अब इसको हम डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे। ये जो 3+ iota है ना, इसको लेट कर लेना माइंड में, ये माइंड में करना होता है कि लेट जेड इज इक्वल टू आपके पास है 3+ iota, तो जेड कॉन्जुगेट क्या होगा बेटे, इधर बार डाल देंगे तो इस साइड पे भी आप बार डालेंगे, बार की साइन ये आ गई, तो जेड कॉन्जुगेट आपके पास आएगा 3-iota। ठीक है, तो ये देखें ये कॉन्जुगेट बनता है 3-iota, तो इससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करें, तो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 3-iota वी गेट। हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई, मैथ का रूल है जिस चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं उसे डिवाइड भी करेंगे। अब ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर की शक्ल बनेगी और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे ऊपर। ये देखें ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर बना ना, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो ये बेटे आपके पास 3 का स्केयर 9 आ जाएगा और ये योटा स्केयर आ जाएगा। इनको हम उसी तरह हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लीकेशन रूल जो है, एक बार ये जो माइनस टू है वो इस 3 से मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह ये माइनस टू जो है वो योटा से मल्टीप्लाई होगा, तो -2 × 3 आ गया बेटे। फिर दरमियान में माइनस का साइन था वो ये लगा देंगे, ये वाला -2 हमने ब्रैकेट में ही दिल रखना है। ठीक है, अब ये -2 एक बार आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर ये जो आपके पास 7 iota ये 3 से होगा, तो ये माइनस तो बाहर ही रह जाएगा और 7 iota × 3 हो जाएगा, तो 7 iota असल में यहाँ पे प्लस साइन होता ना, तो यहाँ पे कुछ ना हो तो प्लस का साइन है, तो माइनस प्लस माइनस हुआ और 7 iota × 3 आ गया। अब ये -(-) हो जाएगा और ये 7 iota इस iota से मल्टीप्लाई होगा, तो ये नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, -2 × 3 क्या हो जाएगा -6 और -(-)2 iota आ गया और ये 7 × 3 = 21, माइनस का साइन तो -21 iota आ जाएगा, 7 iota iota स्क्वेयर हो जाएगा। ठीक है, आपने पढ़ा है iota इक्वल टू √-1 है, अयोटा का स्क्वेयर क्या होगा, आप बोथ साइड पे स्क्वेयरिंग कर लेंगे, इधर भी स्क्वेयर डाल लें इधर भी स्क्वेयर लगा देंगे, ये स्क्वेयर अंडर रूट से कट जाएगा तो योटा स्क्वेयर इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे बेटे आपने क्या करना है, योटा स्क्वेयर की जगह यहाँ पे भी माइनस रख देना और अगले स्टेप में यहाँ पे भी माइनस रख, तो हम यहाँ पे भी इसको यूज़ कर रहे हैं और हम इसको यहाँ पे भी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके पास 21 -21 है और +2 iota, तो ये माइनस का साइन है और 21 के साथ बड़ा है तो ये माइनस ही आएगा, और 21 में से जब 2 निकल जाएंगे तो -19 iota आ जाएगा, ये -6 आ गया, ये +7 और ये iota स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और -7 और -6 -13 आ जाएगा, -19 iota आ जाएगा ओवर 10 है। आपने रूल पढ़ा हुआ कि a ओवर b, अगर सपोज के ये दोनों ही माइनस में है, -a - b/c लिखा हो तो आप इसको -a/c और -b/c लिख सकते हैं, तो कुछ ऐसा ही यहाँ पे बना हुआ है, ये चीज़ एज ए माइनस ए है और ये एज ए -b/c, तो 10 इसके नीचे और इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा, ये बेसिक अलजेब्रा है। तो बेटे ये आपके पास 10 इसके नीचे आया तो -13/10 आ गया, और ये जब 10 इसके नीचे -19/10 iota आ गया।
आपको जो रिक्वायर्ड फॉर्म बनानी है वो ए प्लस बी योटा की शक्ल बनानी है। तो माइनस 13/10 इसको लिख दें ब्रैकेट में, प्लस खुद से डाल दें, और ये जो माइनस वाला है माइनस 19/10 इसको ब्रैकेट में लिख दें, इंटू योटा लिख दें। तो ये बिल्कुल हो गया ना, ये चीज़ एज ए हो गई और ये चीज़ एज ए बी हो गई, और जो साथ में योटा आ गया, तो ये आपका क्वेश्चन कम्प्लीट हो गया। ठीक है, और ये रिक्वायर्ड फॉर्म बन गई आपकी। अच्छा बेटे, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4, 2.6 का ना, ठीक है, क्लास 9th का। इसका फिफ्थ पार्ट जो है 1+ योटा ओवर 1-योटा का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो आप सबसे पहले ये काम करें कि आप ऊपर और नीचे का स्क्वायर सेपरेट कर लें। तो ऊपर और नीचे का स्क्वायर सेपरेट करेंगे तो आपके पास ये ए ओवर बी की होल पावर एन का फॉर्मूला है ना, बेसिक अलजेब्रा का, कि अगर ए और ओवर बी हो होल पावर एन, तो ए की पावर एन ओवर बी की पावर एन अलग अलग हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे 1+ योटा का स्क्वायर ऊपर अलग कर दिया और 1-योटा का स्क्वायर नीचे अलग कर दिया, सेपरेट हो गए दोनों स्क्वायर्स। ठीक है, आपने पढ़ा हुआ है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये देखें ना, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला ओपन हो गया। नीचे बेटे आपके पास ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की फॉर्म आ जाएगी। 1 का स्क्वायर 1 होता है, अयोटा स्क्वायर 2 × 1 × अयोटा 2 अयोटा। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, अयोटा का स्क्वायर आ गया और माइनस 2 अयोटा आ गया। ठीक है, अब बेटे आपके पास क्या है, ये 1 तो यूं ही आ गया, अयोटा आपको पता है अंडर रूट माइनस 1 है। ठीक है, तो अयोटा का स्क्वायर क्या होगा, बोथ साइड्स पे स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, अयोटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा। तो आप इस अयोटा स्क्वायर की जगह पे और इस अयोटा स्क्वायर की जगह पे माइनस 1 रख देंगे, ऊपर भी और नीचे भी माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, और प्लस 2 अयोटा ओवर -2 अयोटा इसी तरह आ जाएगा, ये 1 और -1 कैंसिल हो जाएंगे और ये भी 1 और -1 कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास बेटे 2 अयोटा ओवर -2 अयोटा बच जाएगा, ये वाला, ये 2 अयोटा 2 अयोटा से कैंसिल हो गए। ठीक है, सेम थे तो -1 ओवर 1 बच जाएगा ना, मीन्स कि ये बचा था आपके पास 1 ओवर -1 है, वो माइनस 1 ही होता है। क्यों, वो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये माइनस नीचे से ऊपर कैसे जाता है, आप इसको -1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, आपको अपने पढ़ा हुआ कि आप जिस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे उसी से डिवाइड करेंगे। तो -1 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, वो ऐसा इसलिए किया है कि ये बेटे -1 × 1 क्या हो गया -1, और ये -1 क्या हो गया +1। ठीक है, 1 × 1 1 होता ना, तो ये +1 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में ये -1 ओवर 1 रह जाएगा। 1 के किसी भी चीज़ के नीचे 1 हर टाइम मौजूद होता है, वो लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए इसको डायरेक्ट हम क्या करते हैं -1 लिख देते हैं। और ये आप मतलब ये सारे स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने आपको बताया है कि माइनस जाता कैसे ऊपर, वैसे आप डायरेक्ट इधर से -1 लिख दें। -1 आ गया, आप इसके साथ अयोटा नहीं था तो मैं 0 × अयोटा लिख सकता हूँ, क्योंकि आपको पता है 0 किस चीज़ से मल्टीप्लाई हो तो उसको 0 ही कर देता है। तो आप इससे पहले वाले स्टेप में यूँ कर लें कि -1 आपके समझाने के लिए लिख रहा हूँ, वरना ये डायरेक्ट लिख दीजिएगा कि -1 + 0 लिख लें पहले स्टेप में। 0 किस चीज़ में ऐड हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगले स्टेप में इस 0 को अयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आप अयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी 0 है, तो 0 से तो किस चीज़ को मल्टीप्लाई करें वो 0 ही रहता है, तो डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ेगा कोई। तो ये आपके पास बन गई ना ए प्लस बी अयोटा की शक्ल, तो ये आपके पास बी हो गया और ये आपका ए हो गया। तो यही चीज़ उसने रिक्वायर्ड की थी, तो ये आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है ना फॉर्म बन गई है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका फिफ्थ पार्ट भी कंप्लीट हो गया। इसको एक और मेथड है वो उससे भी करवाया जाता है, वो भी मैं आपको भी करके ना साथ ही इसी वीडियो में ऐड कर देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटे, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका अल्टरनेट मेथड मैंने आपसे कहा था कि 2.6 है, फिफ्थ जो पार्ट था इसका क्लास 9 का, 1+ योटा ओवर 1-योटा का होल स्क्वायर है ना। तो जो पिछला पार्ट है उसमें तो हमने ऊपर और नीचे स्क्वायर सेपरेट कर लिए थे, जो मतलब जो पहले मैंने इसका मेथड किया, ये अल्टरनेट मेथड कर रहे हैं, ऊपर लिख लें आप चाहे अल्टरनेट मेथड। ठीक है, तो ये आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से मैंने आपको बताया था हमेशा अयोटा ख़त्म करना होता है, तो डिनोमिनेटर से अयोटा ख़त्म करने का मतलब है कि इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो सपोज़ कि इधर आपका जो जेड है वो 1-अयोटा है, ठीक है, तो आप बेटे इसके ऊपर बार लेंगे तो इस साइड पे भी कॉन्जुगेट बार आएगी, तो जेड कॉन्जुगेट आ जाएगा 1+योटा। तो 1+योटा से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं, ये 1-योटा ना, इसके 1+योटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं, एक भी दिया मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बाय डिवाइडिंग बाय 1+योटा वी गेट।
तो ये हो जाएगा आपके पास ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और जो नीचे है आपके पास वो ये चीज़ बनेगी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये पढ़ा आपने फॉर्मूला, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब इसके अकॉर्डिंग बेटे आपके पास ऊपर तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो वो आपने पढ़ा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। और नीचे आपके पास जाएगा वन स्क्वायर वन और अयोटा का स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर आपको ने पढ़ा कि अयोटा किसके इक्वल है, अंडर रूट माइनस वन के। तो फिर अयोटा का स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होगा, अयोटा स्क्वायर आ जाएगा माइनस वन के। तो देखिए यहाँ पे अयोटा स्क्वायर की जगह माइनस वन आ गया, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये आपने इसको प्लस कर देना, ठीक है। नेक्स्ट में बेटे आपके पास क्या है, वन प्लस योटा स्क्वेयर। योटा स्क्वेयर की वैल्यू अभी आपने इधर डिफाइन की है कि वो माइनस वन है, वो यहाँ पुट कर देंगे। तो ये वन और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और तो ये प्लस वन ये माइनस वन से कैंसिल हो गया, टू योटा ओवर टू आ गया, और वो होल स्क्वेयर है। तो टू योटा ओवर टू मीन्स टू टू से कैंसिल हो गया, योटा रह जाएगा योटा का स्क्वेयर, ठीक है। अयोटा स्क्वेयर आपने पढ़ा है अभी कि वो माइनस वन होता है, तो ये देखिएगा कि अयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस वन है। तो फिर अयोटा स्क्वेयर स्केयरिंग करेंगे बोथ साइड पे, स्क्वेयर अंडर रूट से कैंसिल हो गया, अयोटा स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस वन आ गया, तो ये माइनस वन लिख दिया। आपका जो आंसर है वो ए प्लस बी अयोटा की शक्ल में आना चाहिए, तो माइनस वन के साथ प्लस जीरो कर लें और जीरो को इंटू अयोटा लिख दें, क्योंकि अयोटा इंटू जीरो जीरो ही रहेगा। तो ये आपके पास माइनस वन प्लस जीरो इंटू अयोटा, तो ए प्लस बी अयोटा की शक्ल बन गई। तो ये रिक्वायर्ड फॉर्म थी और यही आपका बुक में आंसर लिखा हुआ, ठीक है। तो ये आपका ऑल्टरनेट मेथड भी कंप्लीट हो गया। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटे आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 2.6 क्लास 9 का ना लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 का सिक्स पार्ट। वो कहता है 1/2 + 3 अयोटा इंटू 1 - अयोटा। अब डिनोमिनेटर के अंदर ही सारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, ये दोबारा बता रहा हूँ कि अंडर रूट माइनस वन, अंडर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू आ जाए और वो माइनस में हो वो कॉम्प्लेक्स हो जाती है, क्योंकि उसका सोल्यूशन या आंसर पॉसिबल नहीं है। आप कैलकुलेटर से चेक भी कर सकते हैं, वैसे तो इसकी और भी डिटेल है लेकिन आपके लेवल पे हम इतना ही बताते हैं। अगर आप इससे ज़्यादा डिटेल चाहेंगे तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी फिल वक्त आप ये याद रखें कि स्क्वेयर रूट के अंदर या अंडर रूट के अंदर माइनस में वैल्यू, ये माइनस टू भी हो सकता था लेकिन सबसे सिंपल क्योंकि माइनस वन होता था हम माइनस वन को ले लेते हैं, ठीक है, ये जहन में रखिएगा। अभी आपके पास है ये चीज़, तो हम इसमें नीचे ही ना डिनोमिनेटर में हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन करेंगे, पहले इसको सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर आपको बताया था जी से रिप्रेजेंट करते हैं और ए प्लस बी अयोटा की शक्ल होती है, या अयोटा आप पहले भी लिख सकते हैं, ए प्लस अयोटा बी से फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो देखें ज़रा, टू एक बार वन से मल्टीप्लाई होगा, टू इंटू वन, फिर यही टू जो है एक बार अयोटा से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये थ्री जो है वो एक बार वन से मल्टीप्लाई होगा, और थ्री एक बार क्या होगा ये अयोटा से मल्टीप्लाई। तो देखें पहले मैंने 2 को 1 से किया, 2 इंटू 1 आ गया, फिर यही 2 आपने इसके साथ करना है क्योंकि इसके साथ कुछ साइन ना हो तो प्लस का होता है, प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या होगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। और ये जो 2 इंटू अयोटा है 2 अयोटा आ जाएगा, और फिर 3 अयोटा इंटू 1 आ जाएगा, ये प्लस का साइन तो प्लस ही रहेगा, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये बेटे आपके पास क्या होगा 3 अयोटा इंटू अयोटा 3 अयोटा इंटू योटा, अगले स्टेप में 3 योटा स्क्वेयर हो जाएगा, ये 3 योटा इंटू 1 3 योटा रहेगा, 2 इंटू योटा 2 योटा आ जाएगा, 2 इंटू 1 2 आ गया। अब नेक्स्ट में देखिएगा ज़रा आप, तो ये 2 इसी तरह रहेगा, ये 3 योटा में से 2 योटा जाएंगे तो जस्ट योटा रह जाएगा, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है तो सिंगल योटा आ जाएगा, माइनस 3 और अयोटा स्क्वेयर की जगह माइनस वन आ जाएगा। अयोटा आपको पता है अंडर रूट माइनस वन होता है, आप बोथ साइड पर स्क्वेयर ले लेते हैं, स्क्वेयर अंडर रूट से कट देता है, अयोटा स्क्वेयर इक्वल टू माइनस वन आ जाता है। कुछ बच्चे ये पूछते हैं कि सर ये जो आपने ये किया माइनस प्लस किया तो ये टू को क्यों नहीं करते, भी फैमिली सेम नहीं है, ये अयोटा का मतलब है कॉम्प्लेक्स नंबर की फैमिली और ये जो टू है ये रियल नंबर की फैमिली। तो ये तो नहीं ना, मतलब ये इसकी एग्जांपल इसी तरह है कि ये पेंसिल्स हैं और ये रबड़ है, तो रबड़ और पेंसिल्स और ही ना ऐड हो सकते हैं, ये जहन में रखिएगा, तो इसलिए इसको इसमें ऐड नहीं कर सकते। अब आपने इस अयोटा स्क्वायर की जगह माइनस वन लिखा था और माइनस माइनस प्लस थ्री हो जाएगा, तो ये देखें अब ये थ्री और टू ये ऐड हो सकते हैं, 3 + 2 = 5 हो गया ना, और ये अयोटा लग रहेगा, ये इसमें नहीं ऐड हो सकता, ये जहन में रखिए। अब बेटे आपके पास ये सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, आप इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, मतलब आपका जो जेड है ना इस टाइम वो बन गया है 5 + अयोटा, ये चीज़ आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, इसको जेड कह लें। अब आप इसके पास बार लगाएंगे इधर भी, तो इस साइड पर भी बार लगा देंगे, ये कॉन्जुगेट की बार होती है, और मैंने ये आपको बताया था कि
आपके पास ये जो अयोटा के साथ वाली साइन होती है वो चेंज हो जाती है, प्लस है तो माइनस हो जाएगी, माइनस होती तो प्लस हो जाएगी। तो 5 माइनस योटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, मैंने लिख दिया मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 5 माइनस योटा वी गेट। ठीक है, ये हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब ये नीचे ए प्लस बी और ए माइनस बी है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो ये वही चीज़ बनी है ए स्केयर माइनस बी स्केयर। और 1 इंटू 5 माइनस योटा 5 माइनस योटा, 5 का स्केयर 25, ठीक है, और अयोटा स्केयर ये आएगा, अयोटा स्केयर आपको पता माइनस वन होता है, अब वो देख लें आप, ये देखिए अयोटा आपको पता अंडर रूट माइनस वन है, स्केयर कर लें बोथ साइड्स पे तो स्केयर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो अयोटा स्केयर इक्वल टू माइनस वन आ जाएगा, तो इधर माइनस वन लिख दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो जाएगा 26। आपने पढ़ा ए माइनस बी ओवर सी होता है, ये सी ए के नीचे भी और सी बी के नीचे भी चला जाएगा, तो ए ओवर सी माइनस बी ओवर सी आ जाएगा। तो इसी तरह 26 फाइव के नीचे भी और अयोटा के नीचे अलग अलग डिवाइड कर लें। जो बुक में आंसर लिखा है वो उसने लिखा है 5 ओवर 26 माइनस 1 ओवर 26 इंटू अयोटा, मतलब अयोटा को थोड़ा साइड पर कर दिया और 1 ओवर ये लिख दिया, 1 इंटू अयोटा अयोटा ही होता ना। आप ये लिख दें आंसर, ये भी लिख और या ये वाला लिख दें, एक ही बात है। अब इसको आप क्या करें, 5 ओवर 26 प्लस और ब्रैकेट में माइनस 1 ओवर 26 अयोटा, तो ये बिल्कुल प्रॉपर फॉर्म आ गई ए प्लस बी अयोटा की शक्ल जो उसने कहा था रिक्वायर्ड बनानी। आंसर तो ये नहीं उसने लिखा, आंसर तो ये लिखा हुआ, आप यही लिख दीजिएगा, लेकिन आपको मैंने समझाया कि ए प्लस बी अयोटा की शक्ल बनानी होती है जो क्वेश्चन के अंदर रिक्वायर्ड है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना ये कंप्लीट हो गया 2.6 का।